Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we are going to have a discussion about introduction of chapter 7. It is related to animal classification, their phylogeny, or the later parts हैं इसके उसमें हम इसकी organization भी discuss कर रहे होंगे. आज के lecture में जो first lecture आपका online classes का, इसमें हम introduction, classification of organisms, जो taxonomic hierarchy का topic दिया हुआ आपकी book में वो नोमेनक्लेचर, मोलेकुलर अप्रोचेस और फिर जो किंगडम ऑफ लाइफ है इनको भी हम डिस्कस करेंगे. आप लोग पहले भी ये टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, पहले भी क्लास में भी शायद इसके हवाले से थोड़ी बहुत डिस्कशन हो चुकी है, लेकिन इसको एक रिवीजन के तौर पे हम दोबारा से पढ़ रहे हैं. लेट्स मूव टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ जूलॉजी एज वेल एज योर सिलेबस विद रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर. आपको पता है टोटल आइडेंटिफाइड स्पीशीज अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट 1.5 है. रिसेंट डाटा इसको और भी ज्यादा बता रहा है, बट इसमें ज्यादातर जो 3/4 टाइप्स हैं, स्पीशीज हैं, वो एनिमल्स हैं. और स्टिल अभी 4 to 30 million स्पीशीज अनडिस्कवर्ड हैं, अनडिस्क्राइब्ड हैं, जिसपे ये ख्याल किया जाता है कि ज्यादातर एनिमल्स हैं और उनमें से भी ज्यादातर इंसेक्ट्स हैं. नॉर्मली जब कोई न्यू स्पीशी डिस्कवर होती है तो उसको ऑलरेडी मौजूद जो पहले से मौजूद स्पीशीज होती हैं उन्हीं के साथ क्लासिफाई किया जाता है. लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में ये मेंशन्ड है, फर्स्ट एक जो एग्जांपल है सिम्बायन पेंडोरा, लॉबस्टर के माउथ पार्ट्स पे ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो नजर आए. ये इसके डिफरेंट सेल्स हैं शुरू में शो किए गए, जो टेक्स्ट बुक से पिक्चर ली गई है. और ये एक इंडिविजुअल उसके एक ऑर्गेनिज्म की जो पिक्चर है, उसका माउथ, क्राउन, सेल्स, उसके जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं उनको शो किया गया. और ये साइक्लियोफोरा इसको असाइन किया गया इस न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिजम्स को. और अब इसकी डिस्कवरी के बाद जो टोटल एनिमल स्पीशीज हैं, सॉरी एनिमल फाइला है, उनकी तादाद है बेटा 36. अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन पे बात करें कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया कैसे किया जाता है, तो आप लोग क्लासिफिकेशन के पहले भी कुछ यूनिट पढ़ चुके हैं, लाइक डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी. डोमेन्स पे आज हम बात कर लेंगे, लेकिन बाकी आप पहले भी पढ़ चुके हैं. किंग, पीसीओ, फर्गेपशप, इस तरह के निमोनिक्स बनाए होते हैं बच्चों ने इसको याद रखने के लिए. इसमें शुरू में दो बेसिक ब्रांचेस पे बात की गई, एक है सिस्टेमैटिक्स और दूसरा है टेक्सोनोमी. इसका डिफरेंस क्लियर कट आपके माइंड में होना चाहिए. यूजुअली ये टर्म्स अल्टरनेटिवली भी यूज हो जाती हैं, इनको अल्टरनेटिवली भी यूज किया जाता है, लेकिन कुछ जो जूलॉजिस्ट हैं इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं फर्दर कि टेक्सोनोमी इज अ वर्क विच इज इन्वॉल्व्ड इन द ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पीशीज, जिसमें स्पीशीज की ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है. जबकि जो सिस्टमैटिक्स है इसमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स या एवोल्यूशनरी ग्रुप्स या उनकी फाइलोजिनी उस पर भी बात की जाती है. तो बेसिक डिफरेंस ये है कि टेक्सोनोमी में हम जस्ट न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज उनकी डिस्क्रिप्शन देंगे, उनको उनके ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करेंगे, लेकिन सिस्टमैटिक्स में हम साथ साथ उसकी क्लासिफिकेशन के हम उसके जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसको भी डिस्कस कर रहे होते हैं. तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, इसी को नेक्स्ट स्लाइड में भी जो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. न्यूमेरिकल नोमेनक्लेचर में, सॉरी, आपने पढ़ा हुआ कि नेमिंग एंड नेमिंग ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इस पे भी हम थोड़ी डिस्कशन कर लेंगे. आप लोग जानते हैं टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स, उसका एक स्लाइड में फर्दर डिफरेंस बताया गया. डिसिप्लिन ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टैक्सा, नेमिंग, डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन उनकी और स्पेसिमेन की प्रिजर्वेशन, ये टैक्सोनॉमी का काम है. जबकि सिस्टमैटिक्स एक ब्रॉडर फील्ड है, उसमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे फोकस किया जाता है क्लासिफिकेशन के साथ साथ उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है. टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी यानी उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इसको मिला के सिस्टमैटिक्स का नाम दिया जाता है. इसे मिलाकर कलेक्टिवली हम सिस्टमैटिक्स कह देते हैं. फिर अगर हम बात करें टैक्सोनॉमिक जो हायरार्की है, तो उसमें भी आप लोगों को याद है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर के हवाले से कैरोलस लिनेस, उसका नाम आपने पढ़ा हुआ है. और एनी ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स दैट शेयर्स अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इट फॉर्म्स अ टैक्सोन, ये एक इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए डेफिनेशन आपके पास गिवन है कि कोई भी जो कॉमन फीचर्स वाला ग्रुप होता है उसको हम एक टैक्सोन असाइन कर देते हैं, उसका नाम एक टैक्सोन रखते हैं. वॉन लिने रिकॉग्नाइज 5 टैक्सा,
based on the classification system, लेकिन अब modern classification में further भी उसमें add हो गए हैं, like domain, kingdom है, phylum, class, order and so on. और ये भी short questions के तौर पे past papers में पूछा गया है. Human की classification भी आपको clear होनी चाहिए, और साथ जो दूसरे animals हैं उनकी है, यहाँ पे domestic dog की given है, वो भी आप देखिएगा. Human और domestic dog they share domain, eukarya, kingdom, animalia and phylum as well as class. But the variation is observed at the order level. Human का order है primates, और dogs, domestic dog उसका order है carnivora. Family इधर hominidae mentioned है, और यहाँ पे आप लिखोगे canidae. Genus और species, homo sapiens you are well familiar, और जो domestic dog है और domestic dog उसका scientific name जो यहाँ पे mentioned है domestic dog का, canis familiaris. तो ये आपको इसके हवाले से याद रखना है बेटा. नेक्स्ट, जो बेसिक रूल्स हैं नोमेनक्लेचर की, बायनोमियल नोमेनक्लेचर आपने प्रीवियस क्लासेस में भी इसको डिस्कस किया, और यहाँ पर भी हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो करेक्ट नेम है, साइंटिफिक नेम, जूलॉजिकल नेम बाय द इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, उसको इसलिए यूज किया जाता है ताकि जो है वो कन्फ्यूजन अवॉइड की जाए, कोई कन्फ्यूजन ना हो साइंटिफिक लिटरेचर में कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को मेंशन करते हुए. लोकल नेम्स लिखने के बजाय साइंटिफिक आर्टिकल्स में पब्लिशिंग के वक्त साइंटिफिक नेम्स, जूलॉजिकल नेम्स, बोटेनिकल नेम्स ऑर्गेनिज्म के प्रेफर किए जाते हैं. और इसके रूल्स आप लोगों को यकीनन याद होंगे कि इनका ओरिजिन इटैलिक या ग्रीक लैंग्वेज से होता है. दो लेटर्स होंगे, फर्स्ट लेटर जो है उसका हमेशा जीनस को रेफर करेगा, और सेकेंड जो उसका आपके लिए वर्ड है वो स्पीशी को मेंशन करेगा. सिर्फ इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज होता है, बाकी सारे लेटर वो स्मॉल केस में मेंशनड होते हैं, स्मॉल केस में लिखे जाते हैं. लिखते हुए, राइटिंग करते हुए आपने लाजमी तौर पे इसको अंडरलाइन करना होता है, और अगर आप इसको टाइप कर रहे हैं तो टाइपिंग में इसको इटैलिक वे में लिखा जा सकता है. जैसे आप इस टेक्स्ट में देख सकते हैं, पूरा टेक्स्ट स्ट्रेट है, लेकिन ये जो ये वाला टेक्स्ट है इसको हमने इटैलिक लिखा हुआ है. साइंटिफिक नेम्स भी इटैलिक वे में थोड़ा टेढ़ा जो है वो लिखे जाते हैं. इसकी ऑप्शन आप जो बच्चे कंप्यूटर टाइप करते हैं उनको अच्छे से आइडिया होगा उसका. सो दैट वाज अबाउट बायनोमियल नोमेनक्लेचर. देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस व्हिच आर यूज्ड टू क्लासिफाई एनिमल्स, और इसमें एक अप्रोच मोलेकुलर अप्रोच भी यूज होती है मॉडर्न वे में, जिसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए की जो स्पेसिफिक टाइप्स हैं उनको यूज किया जाता है फॉर finding out the closely related and far related species. जो species जाहिर है जिनकी proteins, जिनका DNA, जिनके RNA sequences ज़्यादा करीब हैं, ज़्यादा resembling हैं, जिनमें जिनकी protein में माने से ज़्यादा एक जैसे हैं, उनको closely related taxa में, related groups में classify किया जाएगा. और वो organisms जो far related हैं, वो organisms जिनमें आप कह लें कि अभी यू समझ लीजिए कि प्रोटीन्स या डीएनए आरएनए की सीक्वेंसेस में कम रिसेम्ब्लेंसेस हैं, उनको फार अवे रखा जा सकता है बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर अप्रोच. फॉर एग्जांपल सीक्वेंसेस ऑफ अमाइनो एसिड की बात होगी, यहाँ पे एक म्यूटेशन रेट को मॉलिक्यूलर क्लॉक कहा गया है. म्यूटेशन रेट के इनमें जो चेंजेस हो रही होती हैं, हालांकि वो कॉन्स्टेंट तो नहीं होती, बट उन चेंजेस को हम एज्यूम कर सकते हैं एज म्यूटेशन रेट. टैक्सोनोमिस्ट कैन एस्टिमेट द टाइम इलैप्स सिंस डाइवर्जेंस फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. And sequencing of the nuclear DNA and the mitochondrial DNA of animal has become the common place to find out such relationships. Nuclear DNA ko to sequence karte hi hain, usse jo hai wo find out kiya hi jata hai relationship. Lekin yaad rakhiye, mitochondrial DNA hota hai, it is inherited only from the mother side. Ye sirf wo side hi egg se aata hai, aur mitochondrial DNA ke through bhi jo hai wo inheritance usko find out kiya gaya, inheritance ko sort out kiya gaya. To find out the maternal lineages. Mitochondrial DNA ये सिर्फ जो है वो ज़्यादा इसलिए use होता है, इनका अपना genetic system है, और इसकी inheritance सिर्फ cytoplasm के through होती है. Sperm और egg की जब भी fusion होगी, sperm तो donate करेगा अपना nucleus, जबकि जो egg है, egg as जो है उसमें सारे organelles भी provide कर रहा होता है. तो organelles हमें mother side से मिल रहे होते हैं actually, जो organelles का DNA, especially mitochondrial DNA. सिक्वेंसिंग ऑफ राइबोसोमल आरएनए, ये भी एक टूल है, एक मोलेकुलर अप्रोच में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. इट हैज बीन यूज्ड
to find out the molecular clock or relationship of the organisms. Ribosomal RNA ज़्यादा इसलिए prefer किया जाता है कि इसमें evolutionary conservation show की है. As compared to other types of RNA or DNA, इसकी conservation सबसे ज़्यादा है. इसमें mutation rate सबसे कम है और conservation सबसे ज़्यादा है. That's why इसमें ऐसे हम use करते हैं as molecular clock. ये molecular clock की term पहले भी हमने use की. ये note down कीजिएगा, इसको याद रखिएगा. ये कोई भी figurative term है that is used for a technique that uses the mutation rate of biomolecules to conclude, to deduce the time in prehistory when two or more life forms diverged. The biomolecular data used for such calculations are usually nucleotide sequences, DNA, RNA or amino acid sequences for the proteins. So, ye hamare paas molecular record ke taur pe ye sara jo hai wo koi bhi jab koi biomolecules hum use karte hain usko molecular clock ke taur pe to wo एक हेल्पफुल टूल हो सकता है. और इसमें यहां पर हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर क्लॉक्स के हवाले से राइबोसोमल आरएनए की. मॉलिक्यूलर क्लॉक्स और अपेरेंटली रन एट डिफरेंट रेट्स. जाहिर है म्यूटेशन रेट वेरी कर सकता है डिफरेंट मॉलिक्यूलर क्लॉक्स के हवाले से डिपेंडिंग अपॉन वेदर वन इज लुकिंग एट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन और बेसिस ऑन द डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए की बात हो रही है. जब आप क्लॉक डिफरेंट यूज करेंगे तो उनमें जो मॉलिक्यूलर क्लॉक का म्यूटेशन रेट है वो भी वेरी कर रहा होगा उस मॉलिक्यूल का. सो इट वाज एन इंट्रोडक्शन विद रेफरेंस टू डिफरेंट अप्रोचेस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. और बेसिक जो क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स आप पढ़ चुके हैं लाइक आपने किंगडम्स ऑफ लाइफ में फाइव किंगडम सिस्टम पढ़ा हुआ. फाइव किंगडम सिस्टम को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ये कह रहे हैं आप देयर आर फाइव किंगडम्स इंक्लूडिंग किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांटी एनिमिलिया एंड फंजाई. And Monera includes bacteria and cyanobacteria. It is the only group in five kingdoms which is made up of prokaryotic organisms, unicellular. इसमें सिर्फ और सिर्फ unicellular हैं और सिर्फ prokaryotes हैं. बाकी चारों groups eukaryotic हैं, but they may have unicellular or multicellular organism as well. ये जो आपके पास kingdom Animalia mentioned है या kingdom Plantae, they are comprised of multicellular organisms only. और फिर फंजाई, फंजाई के अंदर मेनली तो मल्टीसेलुलर हैं बट सम सच एज यीस्ट दे आर यूनिसेलुलर एज वेल. प्रोटिस्टा जो कि सिंपल मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं और मेजॉरिटी इसमें भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी इधर एक जो है वो आप कह ले ग्रुप के तौर पर मेंशन है अलग से. और इन फाइव ग्रुप्स में दो बेसिस थी. नंबर वन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसको देखा गया साथ साथ. और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ सेकंड पॉइंट था बच्चे मोड ऑफ न्यूट्रिशन. लाइक जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन है फंजाई में नजर आती है. प्रोटिस्टा के अंदर तो डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सच एज एब्जॉर्प्शन भी है इंजेशन भी है और इसमें फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट भी हैं एलजी. मोनेरा में भी ऐसे डिफरेंट मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन है बट ऑल प्लांट्स दे आर फोटोसिंथेटिक. All plants, they show photosynthesis. All fungi, they are absorptive. And animals, they are ingestive heterotrophs. So, two basic rules were on the basis of Robert Whittaker in 1969 classified it. After that, the basis modified in 1988. You have read Madam Carolyn Schwartz and Lane Margulis have modified it. But after the modifications, these classification ke kingdoms, ye, five feet, jo hai wo, असाइन किए गए. फॉसिल एविडेंस फ्रॉम द अर्ली पीरियड इज स्केंटी जो अगर हम अर्लीस्ट रिकॉर्ड देखें बट मोलेकुलर स्टडीज ऑफ द वेरिएशन इन बेस सीक्वेंसेस ऑफ राइबोसोमल आरएनए. जो राइबोसोमल आरएनए उसकी सीक्वेंसेस को जो है वो स्टडी किया गया उसकी वेरिएशन को फ्रॉम मोर देन 2000 ऑर्गेनिजम्स आर प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑफ रिलेशनशिप रूटेड विद इन दिस 2 billion ईयर्स ओल्ड पीरियड. एक्चुअली ये जो आप रिलेशनशिप देख रहे हैं ना कि मोनेरा से प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से ही फिर फंजाई और प्रोटिस्टा से ही प्लांट्स और प्रोटिस्टा से ही एनिमल्स डेवलप हुए, ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के लिए वो कह रहे हैं कि सारे फॉसिल रिकॉर्ड तो नहीं है लेकिन इसको हम हमने जो डिफरेंट मोलेकुलर क्लॉक्स के थ्रू स्टडी करने की कोशिश की है. द इमर्जिंग पिक्चर इज दैट द फाइव किंगडम्स प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड किंगडम्स डू नॉट रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट एवोल्यूशनरी लाइनेजेस.
कि इससे भी ज्यादा क्लैरिफाई जो है वो लाइनेजेस वो हमारे पास अब मौजूद है, ये एग्जैक्ट उनकी एवोल्यूशनरी लाइनेजेस को शो नहीं करता। यहाँ पे ये जीन कंजर्वेशन के पॉइंट को डिस्कस किया गया है इस पिक्चर में, जो आपको लोअर साइड पे शोन है कि ह्यूमन की जो जीन सिक्वेंसिंग है बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ कितने परसेंट जो है वो मैच कर रही है। राइबोसोमल आरएनए की बात की गई, इट्स एन एक्सीलेंट टूल फॉर स्टडिंग द एवोल्यूशन ऑफ एर्ली लाइफ ऑन अर्थ, इट्स एन एंशिएंट मॉलिक्यूल एंड इट इज प्रेजेंट एंड रिटेन्स इट्स फंक्शन इन वर्चुअली ऑल ऑर्गेनिजम्स। इन एडिशन राइबोसोमल आरएनए चेंजेस वेरी स्लोली, ये हमने पहले भी बात की, एंड दिस स्लोनेस ऑफ चेंज इज कॉल्ड एवोल्यूशनरी कंजर्वेशन। इस एवोल्यूशनरी कंजर्वेशन के पॉइंट को आप याद रखेंगे, राइबोसोमल आरएनए के हवाले से इसको स्पेसिफाई किया गया। An evolutionary conservation of this molecule means that closely related organisms are likely to have similar ribosomal RNA and far related organisms are having less similarity in their RNA molecules. The kingdoms of life mein ek addition jo ki relatively kiya gaya hai ribosomal RNA ki studies ke through ya different molecular clocks ko use karte hue, कि जो जितने भी मोलेकुलर सिस्टमैटिस्ट हैं दे एंटर द डेटा इनटू कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड एग्जामिन ऑल पॉसिबल रिलेशनशिप्स अमंग द ऑर्गेनिजम्स, कि ऑर्गेनिजम्स आपस में कैसे रिलेटेड हैं। आपको पता है कि अब हम किंगडम्स के बाद डोमेन सिस्टम की बात करते हैं, और डोमेन्स में बेसिकली थ्री डोमेन्स हैं, यू बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया। आर्कियो बैक्टीरिया दे आर द एंशियंट बैक्टीरिया, ये दो डोमेन्स हमारे पास प्रोकैरियोटिक डोमेन्स हैं, और यूकैरियोट्स जिसमें ये डिफरेंट ग्रुप्स उन्होंने मेंशन किए हुए हैं साथ, यूकैरियोट्स इट्स अ सेपरेट डोमेन। अब लगता ये कि जैसे एंशिएंट बैक्टीरिया, जैसे फाइव किंगडम सिस्टम में हम बात करते हैं कि मोनेरा में एंशिएंट बैक्टीरिया थे पहले, फिर यू बैक्टीरिया बने, फिर यूकैरिया डेवलप हुए, बट योर टेक्स्ट डिस्क्राइब्स कि जो आर्किया है, आर्किया दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू यूकैरिया देन यू बैक्टीरिया। ऐसे लगता है जैसे कि आर्किया के जो जेनेटिक मेकअप है, आर्किया के जो सीक्वेंसेस हैं, वो यूकैरियोट्स से रिजेंबल करती है, मतलब यूकैरियोट्स जैसे आर्किया से डेवलप हुए हैं, इनकी रिजेंबलेंसेस इससे हैं रादर देन यू बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया इनसे सेपरेटली एक अलग ग्रुप के तौर पे जो है वो सेपरेटली इससे डेवलप हुए हैं। सो यहाँ पे एडिशनली ये पॉइंट ऐड किया गया कि जो अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, इससे ये कंक्लूड किया गया दैट ऑल लाइफ शेयर्स द कॉमन एंसेस्टर एंड देयर आर थ्री मेजर एवोल्यूशनरी लाइनेजेस, जिसमें हम डोमेन कहते हैं हर एक लाइनेज को, उस डोमेन पे हमने बात की कि आर्किया है, यू बैक्टीरिया है, और फिर सॉरी आर्किया इसके साथ जो है वो यू बैक्टीरिया या बैक्टीरिया जिसे कहते हैं, और फिर हमारे पास यूकेरिया की डोमेन। और इसमें हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि आर्किया दे आर द प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स दैट लिव इन द एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, ये एक्सट्रीमोफाइल्स कहलाते हैं, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहने वाले बैक्टीरिया such as high temperature, rift valleys or on the ocean floor or high salt or acidic environment. All members of the archaea, they inhabit anaerobic environment. Inki jo conditions hain, wo anaerobic conditions hoti hain. These environment may reflect the conditions on the planet Earth with reference to early life ya jo life ka origin jis condition mein hua. Aur most primitive life forms bhi archaea kaha gaya. Aur humne ye baat ki ki archaea se hi do domains develop hui. Ek domain jo hai wo बैक्टीरिया की या यू बैक्टीरिया की है, और दूसरी डोमेन यूकेरिया की है जो आर्किया से डेवलप हुए हैं। तो इन दोनों डोमेन्स का जो रिलेशनशिप है, ये आप जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा इस बात को, दैट यूकेरिया देयर इज सीन मोर क्लोजली रिजेंबलिंग रिलेटेड टू द यू बैक्टीरिया एज कंपेयर टू द आर्किया। दैट वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट एनिमल सिस्टमैटिक्स का पोर्शन है हमारे पास, और पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। कल इंशाल्लाह इसको रिव्यू करने के बाद हम नेक्स्ट यूनिट 8 प्रोटोजोआ उसको डिस्कस कर रहे होंगे।